ये तो हम सभी जानते हैं कि विकास कभी भी नहीं रुकता है, फिर चाहे वो किसी इंसान का विकास हो या फिर किसी देश का। इस दुनिया में विभिन्न देशों के बनने से लेकर अब तक लोगों के रहन सहन, खान पान और आर्थिक जरूरतों में कई तरह के बदलाव आए हैं, जिसका सीधा असर देश के रंग रूप और वहाँ की संस्कृति पर पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 100 साल पहले अमेरिका के हालात कैसे थे, जो आज विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है? 100 साल पहले कैसा था अमेरिका? दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ 195 से ज्यादा छोटे बड़े देश अस्तित्व में हैं। अमेरिका को विश्व भर में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े हैं, फिर चाहे शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ से मुकाबला करना हो या फिर विश्व युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। अमेरिका ने हमेशा ही दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी का इजहार किया है और शायद यही वजह है कि आज अमेरिका की मुद्रा यानी डॉलर को सबसे ताकतवर करेंसी में से एक माना जाता है। लेकिन अमेरिका हमेशा से ऐसा नहीं था और आज से 100 साल पहले इस देश के हालात बिल्कुल अलग थे, जिसके बारे में एशिया और यूरोप जैसे देशों में रहने वाले लोगों को ना के बराबर जानकारी है। अगर बात करें अमेरिका के नागरिकों की सालाना आय की, तो आज से 100 साल पहले अमेरिका में पूरे परिवार की आय $1,500 यानी 1.5 लाख के आसपास होती थी। वहीं अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो उस समय अमेरिका में एक व्यक्ति पूरे साल भर में $600 की कमाई करता था। इतना ही नहीं, उस समय लोग ना के बराबर बचत करते थे, जिसकी वजह से अमेरिका के लोग पूरे साल भर में सिर्फ $100 यानी ₹10,000 के आसपास बैंक में जमा कर पाते थे। हालांकि उस वक्त अमेरिका के बाजारों में खाने पीने की चीजों की कीमत ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से लोग कम पैसों में ज्यादा और अच्छी चीजों की खरीदारी कर सकते थे। आज से 100 साल पहले अमेरिका में एक पैकेट ब्रेड की कीमत सिर्फ 60 पैसे होती थी, जबकि एक दर्जन 20 पैसे की कीमत पर खरीदी जा सकते थे और मक्खन की कीमत भी 20 पैसे के आसपास होती थी। आज से 100 साल पहले अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध का असर देखने को मिला था, जिसकी वजह से उस वक्त अमेरिका में शराब जैसे नशीले पेय पदार्थों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। बताया जाता है कि अमेरिका में साल 1920 से लेकर 1933 तक शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ था। हालांकि इस दौरान पूरे देश में शराब माफियाओं की भरमार हो गई थी और उन्होंने गैर कानूनी रूप से शराब बेचना शुरू कर दिया था और इसके लिए वो आम नागरिकों से ज्यादा कीमत वसूल किया करते थे। इस तरह शराब की अवैध बिक्री की वजह से अमेरिका में अपराध भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से आम लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा था। कई नौजवान युवा शराब खरीदने के लिए चोरी और लूटमार जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे थे, जबकि बहुत से लोगों को शराब पीने की बुरी लत लग चुकी थी। इतना ही नहीं, शराब माफिया अपने बिजनेस को चलाए रखने के लिए पुलिस को भी बड़े पैमाने पर रिश्वत दिया करते थे, जिसकी वजह से अमेरिका के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। 13 साल की शराबबंदी के बाद अमेरिका सरकार ने अपराध और शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए शराब से बैन हटा दिया था, जिसके बाद आम नागरिक शराब की सरकारी दुकानों से अपने मनपसंद ब्रांड की दारू खरीदकर पी सकते थे। आज से 100 साल पहले अमेरिका के लोगों का रहन सहन अन्य देशों के नागरिकों से काफी आधुनिक होता था, जिसकी वजह से वहां के लोग महंगे कपड़ों पर काफी ज्यादा पैसे खर्च करते थे। उस दौर में एक आम नागरिक अपनी कमाई का 17-18% हिस्सा महंगे कपड़ों पर खर्च करता था, क्योंकि अमेरिका के लोगों का मानना था कि अच्छे और महंगे कपड़े पहनने से समाज में उनकी वैल्यू बढ़ेगी और लोग उनकी ज्यादा इज्जत करेंगे। इसी वजह से अमेरिका के आम नागरिक उस वक्त ज्यादा सेविंग नहीं कर पाते थे और वो महंगे कपड़ों पर पैसे खर्च कर देते थे, जिसकी वजह से उस दौर में भी अमेरिका में फैशन और कपड़ों की इंडस्ट्री काफी फल फूल रही थी। आज से 100 साल पहले अमेरिका के लोग मनोरंजन के लिए टीवी का इस्तेमाल करते थे, जहां साल 1928 में टीवी बाजार में बिकने लगा था और साल 1940 तक आम नागरिकों ने बड़े पैमाने पर टीवी खरीदना शुरू कर दिया था। हालांकि उस वक्त भी अमेरिका में गरीब वर्ग के लोगों के घरों में टीवी नहीं होता था, जिसकी वजह से लोग सामूहिक समारोह और छोटे मोटे नाटक के जरिए अपना मनोरंजन करते थे। आज से 100 साल पहले अमेरिका में एक टीवी की कीमत $400 के आसपास होती थी, जबकि उस वक्त अमेरिका की सड़कों पर चलने वाली कार की कीमत $500 थी। इस बात से समझा जा सकता है कि उस वक्त अमेरिका के लोगों के लिए टीवी खरीदना कितना महंगा सौदा होता था, क्योंकि एक टीवी और कार की कीमत में सिर्फ $100 का फर्क था और इसी वजह से उस वक्त सिर्फ अमीर वर्ग के लोग ही टीवी खरीद सकते थे। आज से 100 साल पहले अमेरिका में ज्यादातर फिल्में बिना साउंड के बनाई जाती थीं, जिसमें किसी तरह की आवाज और डायलॉग नहीं होते थे और दर्शकों को चित्र देखकर फिल्म को समझना पड़ता था। इसके अलावा टीवी पर रंगीन चित्र भी नहीं दिखाई देते थे और दर्शकों को ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर देखनी पड़ती थी।
उस दौर में अमेरिका में रहने वाले अमीर वर्ग के लोगों के पास कार हुआ करती थी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन्हीं मोटर कार्स का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन देश की एक बड़ी आबादी इधर उधर जाने के लिए घोड़ा गाड़ी और बग्गी का इस्तेमाल करती थी, जबकि कुछ स्थानों पर लोग रेलगाड़ी से सफर करते थे, जो भाप वाले इंजन से चलती थी और उसका साइज भी छोटा होता था। आज से 100 साल पहले अमेरिका में पेट्रोल पंप ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि उस वक्त कारों की कम संख्या होने की वजह से हर जगह में पेट्रोल पंप यानी गैस स्टेशन नहीं थे। कार चालकों की सुविधा के लिए उस वक्त मेडिकल स्टोर में पेट्रोल बिकता था, जहां मेडिकल स्टोर के बाहर एक छोटा सा पेट्रोल पंप बना दिया जाता था और इस तरह से मेडिकल स्टोर हाईवे और दूर दराज के इलाकों में कई किलोमीटर की दूरी पर होते थे। यही वजह है कि इस तरह के पेट्रोल पंप में कोई स्टाफ नहीं होता था और कार चालक अपनी जरूरत के हिसाब से खुद पेट्रोल भरते थे और उसकी रकम मेडिकल स्टोर के मालिक को अदा कर देते थे। ये चलन अमेरिका में आज भी है, जहां पेट्रोल पंप पर लोग खुद ही कार में गैस या पेट्रोल भरते हैं। हालांकि अमेरिका में हमेशा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी रही है, क्योंकि इस देश में पुराने समय से ही लोगों के पास निजी वाहन होते थे और बीतते सालों के साथ निजी वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। यही वजह है कि अमेरिका की सड़कें और हाईवे कारों की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की सड़कों पर कभी भी जाम नहीं लगता है, जबकि यहाँ हर इंसान के पास अपनी निजी कार होती है। आज से 100 साल पहले अमेरिका में दोस्त और रिश्तेदारों का हालचाल पूछने के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें डाकिया या पोस्टमैन के जरिए एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता था। इन चिट्ठियों को अपने पते पर पहुंचने में कुछ दिनों से हफ्तों का समय लग जाता था, जबकि उस दौर में अमेरिका में चिट्ठियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोस्टमैन बाइक या फिर ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। उस दौर में चिट्ठी और सामान को पोस्ट करने का चलन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कई अमेरिकी नागरिक अपने छोटे बच्चों को छुट्टियों में पोस्ट के जरिए अपने रिश्तेदारों के घर भेज देते थे, ताकि उनके ट्रांसपोर्ट का खर्च बच सके और बच्चे भी छुट्टियों का आनंद उठा सके। आज से 100 साल पहले अमेरिका के लोगों की विचारधारा बहुत समृद्ध नहीं होती थी, जिसकी वजह से वहां के युवा खुलेआम डेटिंग नहीं करते थे। हालांकि उस दौर में युवाओं को अपनी पसंद से शादी करने की इजाजत थी, जिसके लिए उन्हें अपने माता पिता से बातचीत करनी होती थी और इसके बाद लड़का और लड़की के परिवार वाले आपस में मिलकर बच्चों की शादी करवाते थे। उस दौर में अमेरिका के लोग भी संयुक्त परिवारों में रहते थे, जबकि आज के समय में 13 साल की उम्र के बाद बच्चों को अलग रहने और काम करने की इजाजत होती है। वहीं आज से 100 साल पहले अमेरिका के लोग अपने बच्चों के साथ रहते थे, जबकि कई परिवारों में शादी के बाद भी बच्चे एक ही घर में रहते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन अमेरिका में महिलाओं को आज की तरह बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं होती थी और ना ही उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर इज्जत दी जाती थी, जिसकी वजह से महिलाओं का काम सिर्फ घर संभालना और बच्चों की परवरिश करना था। उस दौर में महिलाओं पर घरेलू अत्याचार भी होते थे, जबकि ज्यादातर महिलाएं घर में अकेली ही रहती थीं, क्योंकि उनके पति आर्मी में कार्यरत होते थे। आज से 100 साल पहले अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था, जबकि उन्हें रेस्टोरेंट, दुकान और ऑफिस में जॉब करने की इजाजत नहीं थी। वहीं अगर कोई महिला अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए घर से बाहर काम करने जाती थी तो उसे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था और ज्यादातर लोग उसे बातचीत करने से परहेज करते थे। हालांकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों की मौत हो जाने और पुरुषों को जबरदस्ती सेना में भेजने की वजह से देश की बागडोर महिलाओं के हाथ आ गई थी, जिसकी वजह से अमेरिका की महिलाओं ने घर के साथ साथ बाहरी कामकाज संभालना शुरू कर दिया था। इससे महिलाओं में अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी, जिसके बाद उन्होंने विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अपने अधिकारों के आवाज उठाना शुरू किया और इस तरह अमेरिका में महिलाओं को घर से बाहर काम करने और वोट देने का अधिकार मिला। आज से 100 साल पहले अमेरिका का अपना कोई नेशनल एंथम नहीं होता था, हालांकि 3 मार्च 1931 में अमेरिका ने द स्टार स्पैंगल्ड बैनर को अपने नेशनल एंथम के रूप में अपनाया था, जिसके बोल मशहूर कविता डिफेंस ऑफ फोर्ट मैकहेनरी से लिए गए हैं। वर्तमान समय में लॉस वेगस अमेरिका का एक मशहूर शहर है, जिसकी आबादी 25 लाख के आसपास है। लेकिन आज से 100 साल पहले अमेरिका के इस मशहूर शहर में सिर्फ 22 लोगों की आबादी रहती थी और उस वक्त लोग लॉस वेगस में बसने से डरते थे, क्योंकि उस दौर में ये शहर इतना समृद्ध नहीं हुआ करता था। आज से 100 साल पहले अमेरिका में काफी तनाव वाला दौर भी रहा था, जब सरकार के साथ साथ आम नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अमेरिका ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से सैनिकों की बड़ी संख्या में मौत हुई थी, जबकि देश की आर्थिक व्यवस्था भी डगमगाने लगी थी। इसके अलावा उस वक्त अमेरिका सरकार हथियार और बम में ज्यादा पैसे खर्च कर रही थी, जिसकी वजह से रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमत बढ़ गई थी और आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया था। इसके अलावा विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के विभिन्न शहरों में आसमानी हमले और बमबारी का खतरा भी रहता था, जिसकी वजह से आम लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। उस दौरान कई तरह की बीमारी फैलने का भी खतरा था, जबकि कई बार आपातकालीन स्थिति में स्कूल और बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए जाते थे।
इसी तरह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चले शीत युद्ध की वजह से भी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और जनता के जीवन पर बुरा असर पड़ा था। दरअसल उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की जंग चल रही थी, जिसमें कुछ देश अमेरिका की तरफ थे और कुछ देश सोवियत संघ का साथ दे रहे थे। लेकिन एक लंबे समय तक शीत युद्ध के चलने के बाद आखिरकार सोवियत संघ का विघटन हो गया था, जिसके बाद सोवियत संघ टूटकर वर्तमान के रूस देश के रूप में उभर के सामने आया था। इस विघटन के साथ ही अमेरिका ने सोवियत संघ को हराकर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने में सफलता हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से अमेरिका का कद दुनिया के सामने बढ़ गया था और उसे विभिन्न देशों ने हाथ मिला लिया। आज से 100 साल पहले अमेरिका सरकार ने विश्व में अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया था, जिसके तहत देश से विभिन्न राज्यों में फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी और नए नए तरह के उद्योग शुरू किए जा रहे थे। इसके अलावा अमेरिका में बनने वाले सामान को यूरोपीय देशों में ऊंचे दामों में बेचा जाता था, जिससे अमेरिका की अच्छी कमाई होती थी और इस कमाई से अमेरिका की अर्थव्यवस्था विकसित होती चली गई। इसके अलावा अमेरिका में अन्य देशों से आने वाले लोगों ने भी अपनी कंपनियां और फैक्ट्रियां स्थापित की थी, जिससे अमेरिकी नागरिकों को मुनाफा होता था। इस तरह देखते ही देखते अमेरिका ने 100 साल के अंदर खूब तरक्की कर ली, जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्राओं में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में रहकर कमाई करने वाले लोगों की वार्षिक आय में भी इजाफा हो चुका है, जबकि उनका रहन सहन, खान पान और संस्कृति में काफी बदलाव देखने को मिलता है। आज के दौर में अमेरिका में लोग एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, जबकि बच्चे 13 साल की उम्र के बाद अपने माता पिता से अलग रह सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका में स्कूल और कॉलेज के बच्चों को अपनी पॉकेट मनी के लिए जॉब करने की इजाजत है, जिसे बाल श्रम नहीं माना जाता है। यही वजह है कि अमेरिका में रेस्टोरेंट, बार और सुपरमार्केट में स्कूल और कॉलेज के बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिससे उनके छोटे मोटे खर्चे पूरे हो जाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ने 100 सालों के अंदर काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, जबकि एक दौर ऐसा भी था जब ब्रिटिश शासकों ने अमेरिका पर शासन किया था। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने न सिर्फ तरक्की की, बल्कि विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने भी आया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।